हर इंसान को अपने अपने मजहब में बहुत ही गहरी आस्था होती है और उस आस्था को लेकर वहाँ पर अपनी अपनी फरियाद को भी जाते हैं। लेकिन चोरों का क्या है, कहते हैं कि चोरों का कोई दीन धर्म नहीं होता है, उनको मजहब से क्या लेना देना, उनको तो चोरी करना है तो है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, चोर चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। यही एक मामला जनपद कन्नौज का सामने आया है। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज के मड़हरपुर पोस्ट थाना मियांगंज में एक चोर साहब ने आओ देखा ना ताओ मौका पाकर घुस गए बाबा शहीद अली रहमा की दरगाह में। दरगाह में जाकर चोर ने सोचा कि आज तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चोर साहब की नजर मजार में रखे हुए उस गुल्लक पर पड़ गई। अब तो चोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही गुल्लक में रखे पैसे को चुराने के लिए चोर ने गुल्लक में हाथ डाला, वैसे ही गुल्लक में चोर का हाथ चिपक गया। चोर साहब को क्या मालूम था कि जिस पैसे को चुराने के लिए जा रहे हैं, पैसे तो हाथ लगेंगे नहीं लेकिन जान के लाले जरूर लग जाएंगे। सुनने में तो आप लोगों को भी बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही हकीकत है। हजरत बाबा शहीद अली रामा की मजार पर पहुंचने के बाद चोर ने जैसे ही गुल्लक में पैसे चुराने के लिए हाथ डाला, वैसे ही हाथ गुल्लक में चिपक गया। चोर का हाथ चिपकने से चोर बहुत घबरा गया। काफी मेहनत की कि हाथ छूट जाए, लेकिन जब हाथ नहीं छूटा तो उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चोर को दबोचने में कामयाब रही, लेकिन पुलिस करे भी तो क्या करे, क्योंकि चोर का हाथ तो गुल्लक में चिपका हुआ है। चोर को पुलिस अपने साथ लेकर जाए भी तो कैसे, इसलिए आस्था की जगह पर कहीं भी जाए तो जरा इधर उधर नजर कम डाले। आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं कि चोर का हाथ किस तरह गुल्लक में चिपका हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला कर किस तरह रो रहा है और लोगों से अपने हाथ को छुड़वाने की गुहार लगा रहा है। टीवी इंडिया 18 में देखें हमारी खास रिपोर्ट। Yeah, I'm going to go to the hospital.